Good morning to you all. As I welcome you all in my YouTube channel Biology at Fingertips by Saurabh Yadav. And हमने अभी तक लगभग 7 लेक्चर कर लिए थे अबाउट मिनरल एंड न्यूट्रिशन. ये मैं 8वां लेक्चर ले रहा हूँ और इसमें जितने भी पार्ट्स होंगे लगभग सब एनसीईआरटी से कवर होंगे जो अभी तक हो चुके हैं. उसके आगे यानी इससे पहले हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए थे जिनमें क्वेश्चंस कभी न कभी पूछा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का पार्ट लेंगे जो छोटा सा पार्ट दे रखा है, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, उन सारे सब्सटेंसेस, उन सारे एलिमेंट्स का क्या क्या रोल है प्लांट्स में, वो सारी चीजें पढ़ने हम जा रहे हैं. तो एनसीईआरटी कहती है जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म्स और एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ये कह रहा है कि जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे किस चीज में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? एज वी नो दैट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. एक होगा एनाबॉलिक प्रोसेस और एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस. ये दोनों प्रोसेसेस अगर हम प्लांट के बिहाफ पे देखेंगे तो देखेंगे, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं. तो जहां भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेसेस. सो इन एनाबॉलिक प्रोसेसेस वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेसेस. अगर बोले कैटाबॉलिक, कैटा मींस क्या होगा, कट डाउन, यानी जहां पे लार्ज मॉलिक्यूल्स कट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो जिस तरह से भाई और बहनों हम रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है, उसी तरह से प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इन ऑर्डर टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. तो जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे उसमें आ जाएगा आपका रेस्पिरेशन. तो जो भी बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, वहां भी बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके हर जगह, चाहे फोटोसिंथेसिस में होगी मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें होंगी, एंजाइम्स होंगी, रूबिस्को विस्को, बहुत सारी चीजें आएंगी जो मदद कर रही होंगी किसी में फोटोसिंथेसिस में. बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी आएंगे, मैग्नीशियम, बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट में भी मदद करेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट कहती है एनसीईआरटी, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच है, पहला जो बोलती है वो बोलती है कि इट आल्सो मेंटेन परमीएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और अगर हम बात करें सो बहुत सारे माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एज वी नो दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट का ये वाला पार्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
सो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो परमिएबल होते हैं, जो आसानी से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, यानी अंदर से बाहर जा सकते हैं और बाहर से अंदर। यानी अगर मैं बोलूं तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है बेटा, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है तभी तो इधर से उधर जा पा रहे हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूं, जैसे हमने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, तो यहां पे एक पंप लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। तो अगर यहां से 3 सोडियम बाहर जा रहा है और 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, दिस मीन्स क्या हो गया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वहां भी किसका आदान प्रदान हो रहा है, आपका मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स का। सो इट बेसिकली जो भी आपके माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं या फिर मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ये मदद करते हैं किसी में परमिएबल होते हैं, दे कैन मूव थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, पहला। अगर दूसरी बात करें जो दे रखा है एनसीईआरटी में, सेकेंड, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेल। तो सवाल यहां पे आप ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल है, अगर वो सेल इसलिए फूला हुआ है, क्या हुआ है, फूला, या सिंपली अगर बोले इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस इट इज टर्जिड सेल, हाउ इट इज नोन एज टर्जिड सेल, यानी यहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, वॉल, क्योंकि सबसे बाहर वाला लेयर क्या होती है, प्लांट की सेल वॉल। तो जो वॉल पे प्रेशर लगता है बाय द मॉलिक्यूल्स की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। अगर मान लीजिए ये वॉल पे प्रेशर नहीं लगता है तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होगा, यहां पे नहीं रहेगा, तो यही सेल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज, यानी कि पिचक जाएगी। सो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन किसी भी सेल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी है। किस चीज का मूवमेंट होता है वहां पे, किस चीज का, आपके किस चीज का होगा, ऑब्वियस ही बात है, माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स का। और ये जो सेल सैप है, सेल सैप का मतलब क्या हुआ, ये हर जो प्लांट सेल होती है उसमें एक होता है, अगर मैं इसको यहां बनाऊं, सेंटर में बनाता हूं, तो एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ओके, दिस इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में जो भी लिक्विड पाई जाती है, यानी द लिक्विड विच इज फाउंड इन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज नोन एज सेल सैप। तो अगर मान लीजिए आप खुद सोचिए, इस सेल सैप में बहुत सारे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है मैग्नीशियम कैल्शियम कुछ भी, तो इसकी वजह से अगर वहां पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो सेल का क्या होगा, टर्जिडिटी मेंटेन रहेगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि प्रेशर किस पे लगता रहेगा, वॉल पे, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन किसी भी सेल का क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। सो ये जो भी होते हैं वो मेंटेन करते हैं माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। ये सेल सैप का मतलब क्या होता है, द लिक्विड, ध्यान से सुनिएगा, द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज नोन एज सेल सैप, यानी वैक्यूल के अंदर में पाई जाने वाली, सो इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, सेल सैप का मतलब क्या होगा, लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड वैक्यूल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सैप। तो किसी न किसी तरह से आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप को मेंटेन करने में मदद करते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी, जो भी ये माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं ये मदद करते हैं किस चीज में, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बताया जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बिकॉज यहीं से आपका क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी। ओके, सो वहां पे अगर एक प्रोसेस देखेंगे, जैसे मान लीजिए सनलाइट है, ओके सनलाइट है, ये आपका मान लीजिए लीफ है, तो लीफ के पार्ट में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। यहां पे जैसे ही सनलाइट पड़ती है, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये वाटर जो है टूट जाता है, वाटर जो होगा ये टूट जाएगा किसमें, 4H+ में। ठीक से लिखते हैं, इसमें टूटेगा 4H+ में, 4 इलेक्ट्रॉन में। ओके, और इसमें टूट जाएगा O2 में, इसमें टूटेगा O2 में। तो यहां जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बनता है मैंगनीज क्लोरीन और कॉपर प्लस टू के मदद से। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन का लिब्रेशन हो रहा है वाटर के टूटने की वजह से, वो नहीं टूट पाता अगर कौन सा कॉम्प्लेक्स ना होता, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ना होता। और इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को बनाने में कौन मदद कर रहा है, मैंगनीज क्लोरीन और कॉपर। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जो मदद करते हैं किसमें, ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, दैट इज मैंगनीज क्लोरीन और कॉपर। क्लियर है? इसको भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो चीज दे रखी है वो दे रखा है जो भी बफरिंग एक्शन, एक जो एक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्शन, बफरिंग एक्शन। अब ये इससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को पीएच में होने से। यानी अगर मान लो कहीं की मिट्टी है जिसका पीएच 5.0 है, एसिडिक मिट्टी है, ठीक है, वहां पे कुछ भी चीजें आप डाल लीजिए, वहां का पीएच 5 से 7 नहीं होगा। यानी अगर वो 5 से 7 हो गया तो वहां की पूरी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो एलिमेंट्स लिए जाते हैं कहां से, आपके सॉइल से लिए जाएंगे, वो कौन से एक्शन से लिए जाते हैं, बफरिंग एक्शन से लिए जाते हैं। जो भी फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आप मिलाओगे, जो भी आप लोगे एनपीके, जो मैंने बताया था आप लोगों को नाइट्रोजन पोटेश और जो भी था पोटेशियम और आपका पी यानी फॉस्फोरस था, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स टेकन होते हैं बाय द रूट्स के द्वारा। किस एक्शन के द्वारा? बफरिंग एक्शन के द्वारा। और बफरिंग एक्शन का सिंपल मतलब है कि भैया उसमें कुछ भी चेंज हो लेकिन पीएच ऑफ सॉइल चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं लेकिन वहां का पीएच कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये किस फॉर्म में लिए जाते हैं, द एक्शन विच इज नोन एज द बफरिंग एक्शन। सो आई एम राइटिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच व्हेन एसिड एंड अल्कली इज एडेड
टू सॉइल, ओके। यानी अगर मैं यहाँ पे मैंने सॉइल लिखा है किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें ली जाएंगी वो कहां से ली जाएंगी, सॉइल से ली जाएंगी। तो एक सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है पीएच में कोई भी चेंज होने को रोक देता है, अगर थोड़ा भी आप एसिड मिला रहे हो या उसमें सॉइल में क्या ऐड कर रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो, तो वहां का पीएच कभी भी चेंज नहीं हो, इसलिए उसको बोला जाता है कौन सा एक्शन, बफरिंग एक्शन। तो जो भी एलिमेंट्स लिए जाते हैं वो बिना पीएच को चेंज किए हुए लिए जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ एक्शन इज नोन एज बफरिंग एक्शन। सो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होंगे, जैसे कोई भी हो, मैंगनीज हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम, कोई भी हो, तो ये सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं किस एक्शन के द्वारा, बफरिंग एक्शन के द्वारा। अगर इसके बारे में एक लाइन देखें, लिख लीजिएगा द बफरिंग एक्शन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। इसमें इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, बिकॉज प्लांट एब्सॉर्ब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स फ्रॉम सॉइल टू चेंज पीएच ऑफ सॉल्यूशन दैट दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सॉइल इन एन अनफेवरेबल कंडीशन। यानी इस कंडीशन में अगर मान लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, तो वहां तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपके सॉइल में कमी हो गई तो भैया वहां तो डालना पड़ेगा ना, पीएच को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही कह रहा कि द बफरिंग एक्शन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज प्लांट एब्सॉर्ब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। भाई वो फर्टिलाइजर लेगा तो ही तो क्या होगा, उसकी मेंटेन होगी। फ्रॉम सॉइल टू चेंज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन दैट दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉइल इन एन किस कंडीशन में, अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसके पीएच को मेंटेन करने का भी काम कौन करेगा, मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सो आप लोग लिख लीजिएगा पहले, द बफरिंग एक्शन ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज प्लांट एब्सॉर्ब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर फ्रॉम सॉइल, ओके। एक एक पॉइंट को आप आसानी से लिख लीजिएगा, बिकॉज प्लांट एब्सॉर्ब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर फ्रॉम सॉइल टू चेंज पीएच ऑफ सॉल्यूशन दैट दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉइल इन अनफेवरेबल कंडीशन, ओके। अब जो लास्ट पॉइंट दे रखा है, बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड को इंजाइम्स। यानी बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं उनके पार्ट्स हो सकते हैं या फिर को इंजाइम्स के पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैं एक मैक्रो मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक मैक्रो मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे की बात करूं प्रोटीन, क्या करूं प्रोटीन, ओके। जो प्रोटीन होता है
ये स्मॉलर सब यूनिट से बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, सी सी डबल बॉन्ड ओ एच आर, या इधर मान लीजिए आर, इधर में एन एच टू और इधर में क्या हो जाएगा एच। यहां भी देखें वही सारे एलिमेंट्स हैं, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स किसके पार्ट हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले लिख लीजिएगा मैक्रो मॉल लिखा है, पूरा मॉलिक्यूल होगा, ओके। जो दूसरा पार्ट दे रखा है को इंजाइम, इसकी बात कर रहा हूं, को इंजाइम। तो जब आप बायो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां पे एक को इंजाइम है जिसका नेम है NADP। क्या नेम है? NADP फुल फॉर्म है निकोटिन अमाइड। क्या है? निकोटिन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C21H29N7O17 और P3। यानी अगर आप देखें तो यहां भी जो आपका को इंजाइम है NADP यानी कि निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसमें भी क्या है, वही सारे एलिमेंट्स है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फॉस्फोरस। सो ये सारी चीजें जो भी आपके माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बनाने में मदद करते हैं, ओके। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर गिवन इन द NCERT। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो NCERT में नहीं दे रखे हैं लेकिन क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक नया टॉपिक है जिसको बोलेंगे सम फिजियोलॉजिकल। अब ये फिजियोलॉजिकल का मतलब भी मैं बता दूंगा, सम फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी डिजीज। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग। क्या होता है? नॉर्मल फंक्शनिंग। सुनिएगा, ये कह रहा है सम फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी अगर मैं बोलूं कि ये जो भी एलिमेंट्स होंगे ये नॉर्मल फंक्शनिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो नॉर्मल फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी क्या कहेंगे, डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे डिजीजेस पाई जाती है और कभी कभार क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से डिजीजेस है भैया इसमें। पहला है वीप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। ये तो जानते हो ना, कॉलीफ्लावर जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक होता है कैबेज और एक क्या होता है, कॉलीफ्लावर। एक पत्ता गोभी और एक क्या होता है, फूल गोभी। तो ये कौन सा है, कॉलीफ्लावर, जिसमें फ्लावर आएगा तो कौन सी होगी, फूल गोभी, ठीक है ना। कैबेज इज अ कौन सा होती है, पत्ता गोभी। तो जो ये वीप टेल, ये बड़ा एक नया टर्म आ गया भैया आप लोगों के लिए। ये नया सिंपली मीन्स क्या होता है, जनरली अगर मैं यहां लीफ बनाता हूं, सबसे पहले लीफ बना देता हूं, तो जो लीफ के बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ मार्जिन। क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। जो पार्ट जुड़ा होता है आपके मेन प्लांट से या ब्रांच से उसको बोलते हैं पेटियोल। जो बीच में होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं, मिडरिब। और जो ये सारी ये जो दिखती हैं इनको हम लोग बोलते हैं वेंस। क्या बोलते हैं,
वेंस। अब जो ये पार्ट है जिसमें मिडरिब है, वेंस है, इस सारे पार्ट को मिलाकर बोला जा सकता है क्या, लीफ ब्लेड। क्या बोल सकते हैं, लीफ ब्लेड। इसको मिला के वेंस और आपके आपका ये जो मिडरिब है इन सबको मिला के, और ये पत्ता का जो पूरा पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, यानी कि जो पूरा पत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। जो साइड वाले पार्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन। क्या बोलेंगे, लीफ मार्जिन। जो बीच में से जा रहे हैं उसको मिडरिब, और जो साइड में जो दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंस। तो ये जो वीप टेल होता है इसमें होता क्या है, जनरली इन यंग लीव्स क्लोरोसिस टेक्स प्लेस। क्या होगा, क्लोरोसिस टेक्स प्लेस एट लीफ मार्जिन। यानी जो कलीफ्लावर का लीफ होगा ये वाला, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से, मान लीजिए ये लीफ है, तो ये लीफ के जो मार्जिन है ये कैसा कलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये बोला था क्लोरोसिस में क्या हो जाता है, येलो पड़ जाती है क्या, लीफ। तो वीप टेल का मतलब ही क्या होता है कि जो आपका क्या कलीफ्लावर की लीव्स होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। कैसी पड़ जाएंगी, पीली, उसी को वीप टेल ऑफ कलीफ्लावर कहते हैं। या फिर यहां पे एक और चीज हो सकती है, लीफ ब्लेड डू नॉट डेवलप ओनली मिडरिब डेवलप। क्या कह रहा है, लीफ ब्लेड जो है पूरा पत्ती नहीं आएगी, केवल क्या आएगी, जैसे मैं बनाता हूं ये पूरा क्या था, इस पूरे को मैंने बोला लीफ ब्लेड। क्या बोला, लीफ ब्लेड, और बीच में क्या बोला था, मिडरिब। ये क्या होती है, मिडरिब, ये बोला था। तो ये जो लीफ ब्लेड होगा इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, केवल क्या बचेगा, लीफ ब्लेड डेवलप नहीं हुआ। या अगर बात करेंगे लीफ ब्लेड ऐसे ऐसे है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो पूरी तरह से डेवलप क्या होगा, केवल मिडरिब। तो ये सारे जो होते हैं ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगी, तो याद रखिएगा वीप टेल ऑफ कलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एमओ दैट इज मॉलीबिडेनम। किसकी वजह से हो जाएगी, मॉलीबिडेनम। तो इसको लिख लीजिएगा, वीप टेल ऑफ कलीफ्लावर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मॉलीबिडेनम। इसकी वजह से मॉलीबिडेनम, और वीप टेल का मतलब क्या होगा, या तो मार्जिन्स पे क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा, या क्या नहीं आएगा, लीफ ब्लेड नहीं आएगा, और नहीं तो मिडरिब, केवल मिडरिब डेवलप होगा, बाकी सारी चीजें डेवलप नहीं होंगी। तो ऐसा कब देखने को मिलता है, जब किस चीज की डेफिशिएंसी होगी, मॉलीबिडेनम की वजह से। नेक्स्ट है मार्स स्पोर्ट ऑफ पी। सेकंड है मार्स स्पोर्ट ऑफ पी। अब ये मार्स स्पोर्ट ऑफ पी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं पी, पी में कितने कोटिलीडन होंगे, दो। जैसे ये मान लीजिए एक कोटिलीडन है, ये क्या होगा, दो कोटिलीडन। पी इज अ डाइकोटिलीडन, यानी इट इज हैविंग टू कोटिलीडन। हाउ मेनी कोटिलीडन आर देयर, टू कोटिलीडन। तो मार्स स्पोर्ट ऑफ पी का मतलब क्या होता है कि जो इसका बीच वाला पार्ट होगा, इनर साइड में होगा, वहां पे एक स्पोर्ट आ जाएगा। कौन सा स्पोर्ट आ जाएगा, ब्लैक टाइप का स्पोर्ट हो जाएगा, और ये जो ब्लैक टाइप का स्पोर्ट आ रहा है ये दोनों सीडलिंग के कहां आ रहा है, बीच में, इनसाइड में आता है, तो इसको बोलते हैं मार्स स्पोर्ट ऑफ पी। क्या बोलेंगे, मार्स स्पोर्ट ऑफ पी। यहां मैं लिख देता हूं, ब्लैक कैविटीज इन द इन इनर साइड, लिख देता हूं इन इनर
साइड ऑफ कॉटिलीडन। ओके, यानी ध्यान रखिएगा ये कॉटिलीडन के बाहर नहीं होगा, कॉटिलीडन के अंदर में होगा। जो ब्लैक ब्लैक कैविटीज आ जाती हैं उसी को बोलते हैं मार्स स्पॉट ऑफ पी। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा, तो ये इसके अंदर में जो डेफिशिएंसी होती है वो, या जिसकी कमी होती है, किसकी कमी से होगी, मैंगनीज। किसकी कमी से, मैंगनीज की कमी से आपका होगा मार्स स्पॉट डिजीज ऑफ पी। ओके, नेक्स्ट थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ग्रे स्पॉट इन ओट। थर्ड, ग्रे स्पॉट ऑफ ओट, ओट को समाओ जई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ओट होता है इनमें कभी कभार क्या हो जाता है, ग्रे स्पॉट डेवलप हो जाएगा, देखने को मिलेगा। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से मिलता है देखने को आपको, ये भी जो होगा ये आपको मैंगनीज की ही डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, दैट इज द ग्रे स्पॉट ऑफ ओट। ओके, अगर सो यहां तक तीन हो गए, इसके बाद जो चौथा दे रखा है उसको हम लोग बोलते हैं डाई बैक ऑफ सिट्रस। डाई बैक ऑफ सिट्रस, व्हाट इज दिस डाई बैक ऑफ सिट्रस, इतना बोधर होने की जरूरत नहीं है। डाई बैक ऑफ सिट्रस का मतलब होता है जो भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि लेमन हो गया, और भी जो खट्टे फ्रूट होते हैं या खट्टे पौधे होते हैं जिसमें खट्टे चीजें लगती हैं, उनमें बेसिकली कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है लगा हुआ है जमीन में, जो नीचे वाले पार्ट है इस पे नई नई लीफ आ रही है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला यानी जहां पे यंग ब्रांचेस आ रही हैं या यंग लीफ आएगी या यंग सूट आएगा, वो उनकी वो ड्राई हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं बोलूंगा सिंपली डेथ ऑफ यंग सूट, यानी जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है, ये बताइए नए पार्ट ऊपर में आएंगे कि नीचे में आएंगे, ऑब्वियस ही बात है ऊपर में आएंगे, यानी सूट ऊपर की तरफ डेवलप होता है। तो होता क्या है इसमें डाई बैक ऑफ सिट्रस में, होता क्या है कि नीचे वाला पार्ट, जैसे इसको मैं बोल लूं लोअर पार्ट या लोअर सूट बोल दूं और ये अपर सूट बोल दूं, कोई दिक्कत, ये वाला पहनने वाला सूट नहीं, कौन सा सूट है, जो पार्ट ऑफ प्लांट है उसको बोलते हैं सूट, ये पहनने वाला सूट की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो लोअर सूट है वो अच्छे से डेवलप कर रहा है, लेकिन अपर जो सूट है जहां पे जो यंग सूट आती है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। इसी चीज को बोलते हैं डाई बैक ऑफ सिट्रस, ये किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। किस चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कॉपर की डेफिशिएंसी से आपको डाई बैक ऑफ सिट्रस डिजीज देखने को मिल सकती है। और तो ये चारों आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट दो पॉइंट्स और रह गए हैं जिसको हम बताएंगे। फिफ्थ पॉइंट विच इज द रिलेटेड टू सीरियल क्रॉप्स, व्हाट कम्स अंडर द सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप में भी वीट मेज एंड ऑल दिस क्रॉप्स आर कंसिडर्ड इनटू द सीरियल क्रॉप्स। सो फोर्थ वन दैट डिजीज इज रिक्लेमेशन डिजीज, रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स, दिस मीन्स वीट एंड मेज। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे सीरियल्स की तो क्या हो जाएगा, वीट और मेज एंड लेग्यूम प्लांट्स। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल और लेग्यूम प्लांट, रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि जो वीट है मेज है या लेग्यूम प्लांट है उसका जो टिप वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए नीचे है
और ये जो टिप पार्ट है जिसको हमने बोला टिप, तो टिप पार्ट जो हो जाता है, ये जो टिप पार्ट है ये किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ये भी आपको किसकी डेफिशिएंसी से देखना हो, जो ये टिप जो होगी येलो कलर की हो जाएगी, इसी को बोलते हैं रिक्लेमेशन। क्या बोलते हैं, रिक्लेमेशन का सिंपली मीनिंग होता है येलो टिप। क्या होगा, येलो टिप, यानी सिंपली ऑब्वियस सी बात है जो टिप होगी वो क्या होने लगती है, सूखने लगती है, येलो होने लगती है। क्यों, क्योंकि भैया वहां पे अगर क्लोरोफिल होगा तो वो कैसी होगी, हरी होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन वो क्या हो जाती है, कैसी हो जाएगी, टिप येलो कलर की हो जाएगी, यानी उनकी डेथ होने लगती है। तो रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरल एंड लेग्यूम प्लांट्स, इन ये जो होता है किसकी डेफिशियंसी से होगा, तो ये भी होता है ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ कॉपर। किसकी डेफिशियंसी से होगा, कॉपर की डिफिशियंसी से भी रिक्लेमेशन डिजीज देखने को मिल सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एक पॉइंट और रह गया है जिसको हम लोग यहीं कर लेते हैं। एक और डिजीज है जो पैडी में पाई जाती है, दैट इज खैरा डिजीज। खैरा डिजीज ऑफ पैडी, खैरा डिजीज ऑफ पैडी, पैडी सिंपली मीन्स क्या होता है, राइस। ये जो डिजीज है वो आपके किसमें हो जाएगी, राइस में होगी। अगर ये आपको डिजीज, मीन्स मुझे तो नहीं होगी, किसको होगी, मेरे पैडी यानी कि धान के जो खेत होते हैं उसमें अगर लगेगी तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, प्लांट ग्रोथ स्टंटेड, यानी प्लांट अगर इतना बड़ा होना था तो उतना बड़ा नहीं होगा। प्लांट कितना सा रह जाएगा, इतना छोटा सा रह जाएगा, वो बड़ा नहीं होगा, यानी उसकी ग्रोथ रुक सकती है। उसी को बोलते हैं खैरा डिसीज ऑफ पैडी। या तो प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी, या अगर बोले कि मिड्रिप जो हो जाएगी, मिड्रिप बिकम्स येलो, यानी इसकी जो मिड्रिप होगी, जैसे मान लीजिए लीफ है, इसको जो मिड्रिप होगी, ऑब्वियस सी बात है मिड्रिप भी कैसी होती है, हरी होगी, लेकिन इस जब डिजीज हो जाती है कैरा डिजीज, तो ये मिड्रिप कैसी हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, और ये येलो कलर की हो जाती है। और ये जो कैरा डिजीज है, कैरा डिजीज जो होती है ये किसकी डेफिशियंसी से होगी, ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ जिंक। किसकी कमी से हो जाएगी, जिंक की कमी से हो जाएगी। सो ऑल दिस विच वी हैव डिस्कस्ड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट समहाउ आस्क्ड इन द एम्स और जिपमर एग्जामिनेशन। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स। सो गाइस थैंक्स, और ऐसे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा दें और मुझे हौसला देते रहे ताकि मैं नई वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूं। थैंक यू ऑल।